So, okay, viewers, after a long break, I am back with Namka Engineer. Hey! तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है प्लास्टिक्स के ऊपर. तो प्लास्टिक्स के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस और उनके आंसर वीडियो के अंदर बोलूँगा. और पहले इससे पहले कुछ बोलना है जो कि है, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहा है, भाई साहब थोड़ा सा जॉब ढूंढ दीजिए, कोई जॉब बताइए अगर कोई वैकेंसी है. तो मैं उन सभी के लिए बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा न्यूज़ है जो कि है, आप किसी भी कंपनी का वेबसाइट पे जाइए, जैसे पकड़ लीजिए सुप्रीम, तो सुप्रीम्स कैरियर गूगल पे सर्च करिए, मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगा, देख लीजिएगा. या फिर प्रिंस पाइप कैरियर, या फिर कोई भी कंपनी आपका फेवरेट हो, आशीर्वाद हो, एस्ट्रल हो, उसका कैरियर बोल के सर्च करिए गूगल पे. उसके बाद आपके सामने पोर्टल आएगा, उस पोर्टल के अंदर आपको अपना सारा डाटा डालना पड़ेगा कि आपका कौन सा साल पे पास आउट है, क्या क्या एक्सपीरियंस है आपका, रीज़न, ये सब डालना पड़ेगा. उसके बाद वो लोग रिप्लाई करेंगे आपको मेल के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू, तो वो तो आप जा नहीं पाएंगे. तो अप्लाई करिए, अप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को लगता है. सो हरी अप एंड अप्लाई फॉर इट. और वीडियो के अंदर स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा कि कैसे क्या पोर्टल आएगा और क्या क्या मांगेगा. चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ. तो गाइस, जैसे मैं बोला वैसे आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ, देख लीजिए. बाएं तरफ है सुप्रीम लिमिटेड का पेज, जो सुप्रीम लिमिटेड कैरियर सर्च करने के बाद आता है, और दाएं तरफ है प्रिंस पाइप लिमिटेड का पेज. तो ऐसा पेज निकल आएगा आप जब कैरियर बोल के सर्च करेंगे. स्कीपर का भी देख पा रहे, आशीर्वाद का भी देख पा रहे. तो इधर जाके अपना रिज्यूम और अपना सारे डाटा अपलोड करके रखिएगा. अगर फर्दर फ्यूचर में कोई वैकेंसी रहेगा तो फिर आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, अगर आप सीवी दे के रखते हैं. तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्लास्टिक्स. तो प्लास्टिक्स पे इंजीनियरिंग जो लोग कर रहे हैं या फिर प्लास्टिक्स के ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ाई जो कर रहा है, तो उसके लिए पहला जानने वाला क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ प्लास्टिक्स. तो प्लास्टिक्स क्या है? प्लास्टिक इज दोज पॉलीमर विच डज नॉट एग्जिबिट इलास्टिसिटी बट आफ्टर मोल्डिंग दे हैव अ स्पेसिफिक शेप एंड साइज. तो क्या होता है प्लास्टिक जो होता है, पहला फॉर्म रहता है ग्रैनुअल, पाउडर, पिलेट या फिर सीट के थ्रू. तो उसको मोल्डिंग करने के बाद आप किसी भी शेप पे डाल सकते हैं. ओके, तो जो शेप होगा, जैसे कि प्लास्टिक ऐसा है कि पानी की तरह, जिस भी आप चीज़ के ऊपर पानी को रखेंगे तो उसका शेप ले लेता है. अब जो कोई भी बर्तन के अंदर रखिए पानी, उसका शेप ले लेता है. तो वैसा ही प्लास्टिक है, उसको मेल्ट करने के बाद आप जिस किसी भी मोल्ड के अंदर रखिए या फिर जो भी आपको शेप बनाना है वो शेप आप बना सकते हैं, बट आफ्टर सॉफ्टन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलीमर. पॉलीमर क्या है? मेनी और मोर मोनोमर्स आर जॉइंट टुगेदर एंड मेक ए मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर दैट कॉल्ड पॉलीमर. आफ्टर दैट आएगा क्वेश्चन कि मोनोमर क्या है. मोनोमर, व्हाट इज मोनोमर? मोनोमर्स आर दो स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच फॉर्म ए पॉलीमर. और ये जो प्रोसेस है जिसका नाम पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन है द प्रोसेस बाय व्हिच ए पॉलीमर क्रिएट्स फ्रॉम मोनोमर. दिस इज पॉलीमराइजेशन. मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू गुजरने के बाद मोनोमर्स एक साथ जॉइंट होने के बाद एक चेन के अंदर बंध जाते, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन. और इसके बाद ही पॉलीमर का स्ट्रक्चर होता है. ओके, सो इंजीनियर्स, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. बेसिकली बाय केमिकल बिहेवियर प्लास्टिक्स आर टू टाइप्स, नंबर वन थर्मोप्लास्टिक्स, नंबर टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स आर सॉफ्टन व्हेन हीट इज अप्लाइड, हार्डन व्हेन इट इज कूल्ड. दिस प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, फॉर एग्जाम्पल पीवीसी, पीपी, पेट, एचडीपी एंड एलडीपी. एंड अदर सम प्लास्टिक्स आर थर्मोप्लास्टिक्स, बट नाउ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग देम. थर्मोसेट, ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर रेजिन और प्लास्टिक ऑफन कॉल्ड ए थर्मोसेट इज ए पॉलीमर दैट इज इरिवर्सिबली हार्डन बाय क्यूरिंग फ्रॉम ए सॉफ्ट सॉलिड और विस्कस लिक्विड प्री पॉलीमर और रेजिन. क्यूरिंग इज इंड्यूस्ड बाय हीट और सूटेबल रेडिएशन एंड मे बी प्रोमोटेड बाय हाई प्रेशर और मिक्सिंग विथ ए कैटलाइस्ट, फॉर एग्जाम्पल एपॉक्सी रेजिन एंड पॉलिएस्टर.
नाउ डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक्स सॉफ्टन ऑन हीटिंग, थर्मोसेटिंग्स डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग. लॉन्ग चेन रिएक्शन. थर्मोसेटिंग 3D स्ट्रक्चर. थर्मोप्लास्टिक बाय एडिशनल पॉलीमराइजेशन इट इज फॉर्म्ड. थर्मोसेटिंग बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इट इज फॉर्म्ड. थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रीशेप्ड एंड रीयूज्ड. थर्मोसेटिंग्स कैन नॉट बी रीशेप्ड एंड रीयूज्ड. थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन वीक एंड लेस ब्रिटल. थर्मोसेट्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. थर्मोप्लास्टिक सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. थर्मोसेटिंग्स इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. थर्मोप्लास्टिक्स रिक्लेम्ड फ्रॉम वेस्ट. थर्मोसेट्स कैन नॉट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम वेस्ट. थैंक यू गाइज फॉर व्यूइंग नाम का इंजीनियर. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट अ लाइक फॉर मी. सो हेलो इंजीनियर्स, आमी राहुल रॉय. आमी देवांग सुबीर. डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी. আমরা এই চ্যানেলে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জব রিলেটেড অনেক আপডেট দিই. তো আপনারা যদি আমাদের এই চ্যানেলটি পছন্দ করেন, ক্লিয়ার দেখবি তো.